दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको शिक्षक वर्ग एक एवं वर्ग दो की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं GUIDPAB50 और 50% की छूट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, MPTET की तैयारी के लिए अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। MPTET के लिए स्पेशली कोर्स डिजाइन किए हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नई सरकार जो बनने वाली है उससे अतिथि शिक्षकों को क्या उम्मीद है और उनकी नियमितीकरण हेतु उन्होंने अपने वचन पत्र में क्या वादा किया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। काफ़ी अतिथि शिक्षक हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, जुड़े भी हुए हैं, तो उनके लिए ये खबर देख लेते हैं कि कैसी हो सकती है, कि क्या वचन पत्र में उन्होंने वादे किए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या उन्हें वो कितनी जल्दी पूरा करते हैं, इस पर भी हम लोग बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कांग्रेस के वचन पत्र पर जाएंगे तो यहाँ पर 23वें पेज नंबर पर आपको ये 8वें नंबर पर आपको ये दिखेगा, अतिथि विद्वानों अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की नीति बनाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान किया था इन्होंने घोषणा पत्र में, सॉरी वचन पत्र में। तो इस वचन पत्र के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर ये कितने जल्दी वो पूरा करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल एवं महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर उन्होंने विचार करने का वादा किया है। नवोदय के तर्ज पर जिला जो है इंदिरा शिक्षा परिसर भी उन्होंने यहाँ पर खोलने का वादा किया। लेकिन बड़ा जो यहाँ पर है वादा वो आप लोगों के लिए यही है कि जो अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक हैं उनके नियमितीकरण की नीति वो बनाएंगे, ये एक बड़ा वादा उन्होंने कहा था। तो यही एक वचन पत्र में मुझे यहाँ तक मिला है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ और मिला है अतिथि शिक्षकों के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि कांग्रेस ने अगर कुछ और किया है वादा वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।